हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दाल हरी मिर्ची की रेसिपी बता रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दाल हरी मिर्ची बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो चलो आइए ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट दाल हरी मिर्ची की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक चॉप किया, चार हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप किया और एक टमाटर को बारीक बारीक चॉप किया। एक बाउल दाल हमने पहले से ही हल्दी डाल के उबाल रखी हुई कुकर में दो सीटी लगा के। एक फ्राई पैन लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे उसमें, एक आधा चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। देखिए हमारा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद ऑयल ऐड करेंगे, आधा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया हमने। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, उसके बाद हरी मिर्ची, देखिए हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हरी मिर्ची थोड़ी फ्राई होने के बाद प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद टोमेटो ऐड कर दिया आखिरी में। सबको एक से दो मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबको एक से दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। मसाला फ्राई होने के बाद हम जो उबली हुई दाल थी वो ऐड करेंगे, इस तरह से दाल ऐड कर देंगे, एक से दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और एक से दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारी दाल अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। थोड़ी सी दाल फ्राई होने के बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे हम। देखिए थोड़ा सा हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। जैसे तो हमने दाल में उबालते वक्त हल्दी डाल रखा था, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा गरम मसाला, एवरेस्ट का गरम मसाला, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और किचन किंग, एवरेस्ट का किचन किंग ऐड कर देंगे। सबको एक से दो मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखिए हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से उबल चुकी है, इससे पता चलता है हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है। इसी रेसिपी से आप दाल हरी मिर्च बनाइए, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल हरी मिर्च बनाने की रेसिपी बताई है हमने आज आपको। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज़ नए नए वीडियो देखना। धन्यवाद।